ये कमरा मैं खुद कर लूंगी, तुम छोड़ दो। नहीं, उससे आखिरी दफा मिलने का मौका मैं इस तरह जाया नहीं होने दे सकता। मैं कराता हूं पैकिंग। पिंक ड्रेस, पिंक ड्रेस में तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती थी सायरा। जब मैं उससे आखिरी दफा मिला ना, तो मैं उसे ये कहने ही वाला था कि तुम हमेशा पिंक ड्रेस पहना करो। वाकई तुम्हें इतनी अच्छी लगती थी। वो तो सभी को अच्छी लगती थी। उसका बुरा नहीं चाहती थी। तुम मुझे चाहती थी ना मायरा, लेकिन मामू और मामी क्या सोचेंगे इस डर से तुमने इनकार कर दिया। लेकिन सायरा ने, उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। तुम जितनी अच्छी हो ना, उतनी ही बुरी भी हो। काश के तुम बुझ दिल ना होती, काश तुम्हारा दिल बड़ा होता। सही कह रहे हो तुम। मैं उसको ताने देती थी कि वो बुझ दिल है, लेकिन तो बहुत बहादुर थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और मेरा बहुत छोटा है। खाना मामू नहीं खाएंगे? वो तो 8 बजे ही खाना खा के सो गए थे, कह रहे थे कि वो बहुत थक गए हैं। चलो पहले खाना खा लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। नहीं, तुम जाओ खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुनीब, तुमने घर जाके भी तो खाना ही है ना, तो यहीं पे खा लो। तुम खा लो मायरा, वैसे भी मुझे एक तो फोन कर दे, पूछने के लिए शुक्रिया। हेलो। बहुत लेट फोन तो नहीं कर दिया मैंने आपको? हाँ, सो चुकी थी, सुबह कॉलेज जाना है। असल में मैं दिन में बात नहीं कर सकता, मैं यूनिवर्सिटी के बाद जॉब पे जाता हूँ, और वैसे भी आजकल ज़रा बिजी हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ पैकिंग में। इसीलिए आपने आज मुझे ऑटो कॉल कर दिया? जाहिर है, आपको क्या लगा मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? नहीं तो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। पढ़ाई कब करते हैं आप? रात में। तो सोते कब है? क्लास में। सुना है सायरा के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मायरा से बातचीत है? आपको कैसे पता? क्योंकि उसके अलावा ये बात और कोई नहीं कह सकता। आई थी हमारे यहाँ भाई से माफी मांगने। फिर क्या वो मिला? नहीं, घर से निकाल दिया उन्होंने उसे। अच्छा चलें, आप सो जाइए, मैं आपको कल फोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुमने खाना नहीं खाया, गरम कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? मामू क्या?
कहाँ जा रही हो? पूछा है ना कुछ? शहीर के घर, उसने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज किया? प्रपोज किया तो उसके घर क्यों जा रही हो? तुम उससे शादी करोगी? आई होप सो। व्हाट? तुम पागल हो गई हो क्या? वो इंसान साइको है, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? यार तुम एक दफा डिसाइड कर लो, तुम मुझसे नफरत करते हो या नहीं? मैं तुमसे नफरत करता हूं या नहीं, लेकिन तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हें इस तरह कुएं में कूदने नहीं दूंगा। तुम्हें बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है मायरा। उसने मुझसे शादी का कहा और मैंने मना कर दिया, मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मायरा, मैं बात करूंगा अब्बा से, वो समझाएंगे तुम्हें। उसने कहा मायरा तुम तो बदले ही नहीं, तुम तो माफी का आसान रास्ता ढूंढ रही हो, तुम्हें तो दुखी नहीं है? और जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैंने देखा कि बहुत दुख है, इतना दुख कि मैं उसके तजवीज की हुई सजा कबूल कर सकती हूं। उसके जिस्म पे ना सही तो उसके रूह पे तो मरहम रख ही सकती हूं ना मैं, उसको ये एहसास तो दिला सकती हूं कि अपनी हरकत का दुख है मुझे। कौन सी हरकत, कौन सी गलती? तुमने कोई गलती नहीं की है मायरा, तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गिल्ट में आकर इतने बड़ा बेवकूफाना फैसला मत करो तुम। शहीर ने जो कुछ भी किया है ना, उसे सिर्फ अपने किए की सजा मिली है बस। और तुम्हारी क्या गलती थी मुन्नी, तुम्हें किस किए का फल मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ना हिसाब देना ही पड़ता है। तुम बस दुआ कर वो मान जाए, मना ना करे। तुम समझ नहीं रही हो, वो एक पागल शख्स है, तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। पता है, लेकिन कत्ल की सजा भी तो उम्र कैद बामुशक्कत होती है ना, ये तो सब जानते हैं। बकवास बंद करो तुम, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें कैसे समझाऊं तुम? मैं मामू को बोलूंगा तुम्हारे, वो तुम्हारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। मुनीब तुम्हें तो पता है ना मेरा, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दफा जो जहन में आ जाता है ना सो आ जाता है, जाता नहीं है। Shut up! गलती करके अब बेचारा बनने की कोशिश कर रही हो ना, नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से। अच्छा क्या था पहले जो तुमने उसको इनकार किया था, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे शादी करती हो उससे। मैं तुम्हें खाना गर्म कर दूं?